पानी में मिट्टी घुल जाती है तो पानी में स्वच्छता नहीं रहती। थोड़ा मिट्टी के संसर्ग से मलिनता का दोष आ जाता है। ऐसे ही अज्ञान के कारण वस्तु में व्यक्ति में राग हो जाने से व्यक्ति की बुद्धि में निर्मलता नहीं रहती, परंतु जिनकी बुद्धि निर्मल है, जो नित्य सत्व में स्थित हैं, ऐसे गुरुदेव के संसर्ग से, ऐसे गुरुदेव के संग से, ऐसे गुरुदेव की दृष्टि से, हमारे जीवन में जो वस्तु व्यक्ति में राग हो जाने के कारण बुद्धि में मलिनता आई, वो मलिनता दूर हो जाती है। तो राग दूर हो जाता है वस्तु और व्यक्ति का। जब तक राग रहता है तब तक धर्म और अधर्म को समझने में कठिनता पड़ती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता तो सही मार्ग पर चल नहीं पाता, क्योंकि राग की मुख्यता होने से व्यक्ति विवेक को महत्व नहीं दे पाता है, और विवेक को महत्व न देने के कारण उसके द्वारा वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। पर सदगुरु के संसर्ग से जीवन में राग की मुख्यता नहीं रहती, गुरु चरणों में अनुराग की मुख्यता होती है, तो व्यक्ति विवेक को महत्व देने में बड़ा बड़ा बुद्धिमान हो जाता है, और विवेक को महत्व देने से उसके द्वारा कर्तव्य होता है, अकर्तव्य से वो अपने को बचाता है और गुरु भक्ति में लग जाता है। और गीता में वर्णन है, जो भक्ति में लग गया उसको ज्ञान प्राप्ति ऐसे ही हो जाएगी, उसको विशेष श्रम नहीं करना पड़ेगा। आप गीता पढ़ें, 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है, भगवान ने कहा ऐसे भक्त को ज्ञान प्राप्ति हो ही जाती है, आत्म साक्षात्कार भक्ति के प्रताप से हो जाता है। नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वताहा, 10वां अध्याय 11वां श्लोक। 13वां अध्याय 10वां श्लोक, भगवान ने कहा है भक्त को ज्ञान प्राप्ति हो ही जाती है और वो मुक्त हो जाता है। तो हम लोग ऐसे स्थान पर आए हैं, येना व्रतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सदारुणानि, इस संसार में जो अज्ञान रूपी शत्रु है, इसी अज्ञान से विमोहित होकर व्यक्ति अनेकानेक कुकर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। पर सत्संग मिलता है तो एक राजा ने घोषणा की कि हमारा जो हौज है, स्विमिंग पूल है, सब लोग अपने अपने घर से दूध लाकर उस स्विमिंग पूल को, उस हौज को दूध से भर दें। एक आदमी ने सोचा कि सब लोग दूध का लोटा ले जाकर डालेंगे, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, किसको पता चलेगा, इतने सारे दूध में एक लोटा पानी, अपना काम हो जाएगा, पैसे बचेंगे, दूध नहीं डालना पड़ेगा, पानी तो है ही, मैं जाके डाल दूंगा। अब क्या हुआ, एक आदमी को ये विचार आता तो ठीक था, पर दूसरे को भी आया, तीसरे को आया, ऐसा करते करते सबको आया कि अपन पानी डाल दे तो क्या है, सब दूध डालेंगे, अपन पानी डाल देंगे, एक लोटा शू बगड़ी जैसे मां, एक लोटा पानी से क्या हो जाएगा। अब ये विचार सबको आ गया और सब जाके चुपके से पानी का लोटा ही डाल के आ गए। एक आदमी ने कहा अपनी पत्नी को, मैं तो दूध डाल के आऊंगा। पत्नी ने कहा सबने पानी डाला है, आप दूध डालोगे तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा। बोले नहीं, फर्क कैसे कहीं पड़ेगा। बोले क्या फर्क पड़ेगा, बोले कम से कम पानी का रंग तो थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा रंग बदल जाएगा। सत्संग का एक वचन भी सुनते हैं ना तो जीवन का जीने का रंग बदल जाता है, जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। अगर पूरा श्रद्धा से सुनकर उसी रास्ते पर चल पड़े तो पूरा रंग बदल जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है। ज्ञान दीपेन भास्वता, गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, तेषाम एवानुकम्पार्थम, मैं ऐसे भक्त पर अगर कृपा नहीं करता तो मेरा कलेजा कांपता है। तेषाम एवाम अनुकंपार्थम, अगर भक्त पर कृपा नहीं करता तो मेरा दिल कांपता है, फिर मैं देर नहीं करता, भवामी न चिरात पार्थ, मैं देर नहीं करता फिर, ऐसा भगवान ने कहा है। तो जब भगवान ने कहा है तो फिर हम चिंता किस बात की करें और क्यों करें, किस लिए करें। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम 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 ओम।
कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए दुखद, तो ये सोचे कि कोई बात नहीं, भगवान की शायद ऐसी इच्छा है। वाह प्रभु, हम इस हाल में भी आनंद में रहेंगे, क्योंकि आज तक मेरी इच्छा पूरी होती थी, आज आपकी इच्छा पूरी हो रही। वाह भगवान, जय हो, जय हो। संत तुकाराम जी इतने महान संत थे, अभंग लिखते थे, प्रभु की प्रेरणा से आग जलाकर उसमें एक सिक्का रख देते थे। अभंग लिखने के बाद अग्नि में तपा हुआ सिक्का आग से निकालकर अपनी जीभ पर रखते थे और बोलते थे कि परमात्मा, अगर ये मेरा अभंग तुमको स्वीकार ना हो तो मेरी जीभ जल जाए। तपा हुआ सिक्का आग में वो जीभ पर रखते और उनकी जीभ नहीं जलती थी, उनके अभंगों की सच्चाई। हम रख कर देखें, कोई रखना नहीं, जीभ जल जाएगी। तुकाराम जी की महिमा देखो, अग्नि में सिक्का तपा के जीभ पर रखते थे वो। तुकाराम जी कहते हैं, सदगुरु वांचोनी सांपड़े ना सोए, धरावे ते पाए आधी आधी, लोह परिसाची न साहे उपमा, सदगुरु महिमा अगाध तो अगाध है। प्राणों का क्षय तो प्रतिक्षण हो रहा है, माने श्वास खर्च हो रहे हैं ना, प्राणों का क्षय प्रतिक्षण हो रहा है, पर मन का क्षय नहीं हो रहा है। जवानी में हम जितना तेजी से दौड़ पाते हैं उतना बुढ़ापे में नहीं दौड़ पाएंगे। जो जो वृद्ध हैं बड़ी उम्र के, वो जवानी में जितना तेजी से दौड़ते थे उतना अभी नहीं दौड़ पाएंगे, परंतु जवानी में जितना मन तेजी से भागता था उतना बुढ़ापे में भी तेजी से ही भागता है, उसकी दौड़ में कोई कमी नहीं आती। लोग बोलते हैं मन माकड़ा जेऊ छे, मन तो बंदर के समान है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है ना बंदर, ऐसे मन छलांग लगाता है। अरे बंदर तो बेचारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ही जाता है, पर व्यक्ति का मन तो भारत से अमेरिका चला जाता है, बड़ी लंबी छलांग लगाता है, दरिया पार के देश की छलांग लगा लेता है, वो बंदर से ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है। तो प्राणों का क्षय प्रतिक्षण हो रहा है पर मन का नहीं हो रहा है। अगर प्राणों का क्षय पूरी तरह हो गया, माने श्वासों का खजाना पूरा हो गया, मृत्यु हो गई, और मन का क्षय नहीं हुआ तो दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा। परंतु ये दिव्य साधना करते करते प्राणों का क्षय होने से पहले मन का कर दिया, आहा, मनोनाश, वासना क्षय, बोध, बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त हम सबको हो सकती है। तो पूज्य बापूजी जो हमको प्रयोग ये करा रहे हैं ना, इससे बड़ा ऊंचा कल्याणकारी प्रयोग है नहीं, था नहीं, हो सकता नहीं, इतना सुंदर ये प्रयोग है। पर सरलता से कोई चीज मिलती है तो आदमी उसकी कदर नहीं करता। हम वो दो चार लाइनें फिर से जरा सुन लें वशिष्ठ जी की, कितनी सुंदर कही द्वादश अंगुल पर्यंत की, जो बापू जी हमको सहज में कराते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, नासिका के अग्र में जो द्वादश अंगुल पर्यंत अपान रूपी चंद्रमा का निर्मल स्थान है, उसमें जो प्राण का आवागमन है, उसको ज्यों का त्यों देखने से प्राण स्पंदन रोका जाता है। तालु के द्वादश अंगुल ऊर्ध्व रंध्र का अभ्यास हो तो उसके अंत में जब प्राणों को लगावे तब प्राणों का फुरना नष्ट हो जाता है। हे राम जी, यह प्राणों का रोकना मैंने तुमसे कहा है, और भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से कहा है, पर जिस जिस प्रकार गुरु के शिरमुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास करे तब प्राणों का निरोध होता है। कितनी सुंदर बात है, देखो कितने लाभ बताए भगवान राम के गुरुदेव ने। अगर ऐसा हम करेंगे तो फायदे में रहेंगे, ऐसा गुरुदेव ने सत्संग में बताया। और मेरे मन में चिंतन न चले, भुलावा बुलावा बन सकता है। भुलावा, भूलना चाहते हैं, भुलावा बुलावा बन सकता है।
इसके साथ मेरा संबंध है ही नहीं, मेरे मन में विकार आता है नहीं नहीं जाता हुआ देखो कि जा रहा है, मैंने दीक्षा ली साधना की तो अब ये विकार जा रहा है। जैसे कमरे का कचरा झाड़ू से निकालते हैं तो कमरा साफ हो गया पर बाहर तो कचरा दिखता है, वहाँ से भी साफ करते हैं। ऐसे ही जब साधना करते हैं तो कई जन्मों के जो संस्कार हैं वो निकलते हैं, तो उसके साथ संबंध न जोड़ें और न उसका विरोध करें, मेरे मन में ना आए ना आए ना, अरे जा रहा है जाने दो। रास्ते से कोई मुसाफिर जा रहा हो तो उसके साथ हमारा क्या संबंध, भले जाए हमारा क्या, हमारा संबंध केवल गुरु से है बस और किसी से नहीं है। सदगुरु के साथ का संबंध पक्का करना है। एक होता है जोड़ा हुआ संबंध, एक होता है जुड़ा हुआ संबंध। जोड़ा हुआ संबंध संसार से है, माँ से, बाप से, पत्नी से, पति से, दोस्त से, बहने अपनी सहेली से, जुड़ा हुआ संबंध है। जुड़ा हुआ संबंध भगवान से, भगवत प्राप्त गुरु से है, जुड़ा हुआ है। तो जुड़े हुए का मोह छोड़ना है और जुड़े हुए में प्रीति बढ़ाना है, बस इतना ही करना है। जिससे जुड़ा हुआ है उसका मोह छोड़े और जिससे जुड़ा हुआ है उसमें प्रीति बढ़ाए। तो जुड़े हुए में प्रीति बढ़ाने से हमारे मन में वस्तु व्यक्ति का राग सचमुच रहेगा ही नहीं, और जोड़े हुए में मोह छोड़ देने से, जोड़े हुए संबंध का मोह हटा देने से हमारे जीवन में अविवेक नहीं रहेगा। तो ये कितनी ऊंची उपलब्धि है, जोड़े हुए का मोह छोड़ने से अविवेक चला जाता है और जुड़े हुए में प्रीति बढ़ाने से विवेक बढ़ जाता है। विवेक बढ़ जाता है तो पता चलता है मैं साधक हूँ, मेरा ये कर्तव्य है और ये अकर्तव्य है। समम कायम शिरो ग्रीव धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चन अवलोकयन। समम कायम शिरो ग्रीव, कमर से लेकर गले तक के भाग को, सिर मस्तिष्क और गिरा को सीधा करके बैठे, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। दिशश्चन अवलोकयन, दसों दिशाओं में कहीं भी न देखें जब ध्यान करने बैठे थे, इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं दसों दिशाओं में कहीं नहीं, इस कोने में उस कोने में कहीं नहीं। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद में तो लिखा है कि ध्यान में बैठने से पहले मन बुद्धि और उनके अनुग्राहक देवताओं को कह दो, हे नेत्र ज्योति के देवता सूर्य, अब हमारे मन की आंखों के सामने संसार के कोई दृश्य न आए क्योंकि हम ब्रह्म के ध्यान में बैठ रहे हैं। ये अंतरकरण के अनुग्राहक देवता ब्रह्मा जी, अब हमारे मन में किसी का चिंतन न चले क्योंकि अब हम ध्यान में बैठ रहे हैं। इस प्रकार वेद में कहा गया है, इससे मन स्वाभाविक शांत होता है। तो फिर से आपसे प्रार्थना करूं कि जुड़े हुए संबंध में प्रीति बढ़ाना है और जुड़े हुए संबंध का मोह घटाना है। मोह बढ़ेगा तो अविवेक बढ़ेगा और प्रीति बढ़ेगी तो विवेक बढ़ेगा। अविवेक बढ़ेगा तो अकर्तव्य आएगा और विवेक बढ़ेगा तो कर्तव्य परायणता आएगी, साधन परायणता आएगी और प्रीति परायणता हो ही जाएगी।